की काली का मैया दड़ा होए सब की तरह नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं सिराकोट मलयनाथ मंदिर जो कि डीडी हाट पिथौरागढ़ कुमाऊं में है वहां पर हूं। अभी यहां पर जो प्रसिद्ध गायक पप्पू कार्की हैं उनके चाचा यहां पे अपना भजन गा रहे हैं, कृष्ण सिंह कार्की जी, और ये पार्श्व में भजन चल रहा है। और हां दोस्तों, अगर आप इस ऊंचाई वाले मंदिर की आसपास की जो जगह है उसकी खूबसूरती और हम यहाँ कैसे पहुँचे इसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इससे पूर्व का वीडियो आप देख सकते हैं, और साथ ही हमारी इस कुमाऊं भ्रमण श्रृंखला में बहुत सारे वीडियो हैं वो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको इस जगह का सिराकोट मलयनाथ के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे, और ये जानकारी देंगे हमारे जो साथी विद्वान शिक्षक हैं पाठक जी, और एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं कोई, वो भी इस जानकारी में सहयोग करेंगे। बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है दोस्तों कि उस समय कौन कौन से यहाँ पे जो राजवंश थे वो राज करते थे, उनका क्या क्या इतिहास रहा है, उनका जो गढ़वाल के इतिहास से क्या संबंध है, और साथ में जो गोरखाली जो गोरखा युद्ध हुआ था उसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। तो कुमाऊं और गढ़वाल के इतिहास की बहुत रोचक जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। चलो चलते हैं इस शानदार जगह के इतिहास को जानने के लिए। पर अभी हम खड़े हैं, ये है सिराकोट का मलयनाथ स्वामी का मंदिर, और ये मंदिर जो है इस क्षेत्र का जो है ईस्ट के रूप से यहाँ पर पूजे जाते हैं। ये जितने भी आपको आसपास दिखाई देने वाले जो गांव हैं उनके ईस्ट मलयनाथ स्वामी हैं। अभी हमारे भी ईस्ट जो है मलयनाथ स्वामी हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके ही संरक्षण में पर खड़े हैं, और इनकी जो मेन यहाँ पर पूजा की जाती है वो महादेव की पूजा की जाती है। और महादेव से हम ये आशीर्वाद मांगते हैं कि जो भी हम यहाँ बोले सरस्वती हमारी जीवा पर बैठे और जो भी हो शक्ति निकले और वो जो है सही रूप में जाए। तो ये सिराकोट का जो किला है मुख्य रूप से इतिहास बहुत पहले से चला आता है, लेकिन हमने जो देखना है ये है मल्ल शासकों से। ये 12वीं शताब्दी के आसपास जो है रेखा भूपति मल्ल नाम के जो है एक प्रसिद्ध जो है राजा हुए यहाँ पर मल्ल शासन के अंतर्गत। उन्होंने अपना एक किला, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ पॉइंट से, जो है यहाँ पर अपना किला बनाया था। इस किले को बनाने के पीछे उद्देश्य ये था, अपने इतिहास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि किले जो बनाए जाते हैं ऐसे ध्रुव स्थानों पर बनाए जाते हैं कि जहाँ पर आराम से चढ़ाई ना हो सके, कोई भी बाहरी आक्रमण ना हो सके। तो इस कुमाऊं क्षेत्र के अंदर पहाड़ी क्षेत्र में सबसे सुरक्षित जगह मानी गई, क्योंकि तीन ओर से पहाड़ियां हैं, एक ओर से रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना किला बनाया, और यहाँ पर मल्ल राजाओं में और भी थे, लेकिन जो प्रसिद्धि प्राप्ति की जो राजा ने रेखा भूपति मल्ल थे, उन्होंने यहाँ पर से जो है अपना साम्राज्य चलाया। और उन्होंने कहा जाता है कि यहाँ पर जो है महादेव के रूप में जो है यहाँ पर मंदिर की स्थापना की, और ये धीरे धीरे आगे को बढ़ता गया। और जो मल्ल शासक थे उनमें राजा तो बहुत सारे हुए, लेकिन प्रमुख जो थे आठ थे। उन आठ राजाओं में एक तो रेखा मल्ल का नाम प्रसिद्ध रूप से आता है, एक लास्ट में हरिमल्ल का नाम प्रसिद्ध रूप से आता है, क्योंकि रेखा मल्ल ने स्थापना की, इसको प्रसिद्धि प्राप्ति की, लेकिन हरिमल्ल के समय में इसका अवसान हुआ, समाप्त हुआ। अब हरिमल्ल के टाइम तक जाते जाते क्या हुआ कि मल्ल शासक बीच बीच में ऐसे क्रूर शासक हुए, जैसे हम मुगल इतिहास में पढ़ते हैं ना, कभी बहुत दयालु राजा आए, कभी बहुत रंगबिजाज राजा आए। जैसे जहांगीर को अगर देखें तो वो नूरजहां का कार्यकाल था उसका, शाहजहां का देखते हैं तो कहते हैं कि उसने जिस चीज़ को संगमरमर का पाया उसको जो है हीरा मोती से जड़ दिया था। अकबर का शासनकाल देखें तो उसने हिंदू राजपूती नीति बनाई थी। तो ऐसे ही यहाँ के राजाओं की जो रियासतें थी उनमें भी नीतियाँ चलती थी, तो कुछ राजा बड़े विनम्र होते थे, कुछ प्रजा के प्रति दयालु होते थे। तो मल्ल राजाओं में भी बात के उतार में कुछ ऐसे आए कि जिन्होंने इस क्षेत्र के लोगों पर बहुत ज्यादतियाँ की, लोगों पर जुल्म ढाए, उनसे लगान वसूल किया, कर इत्यादि प्राप्त किए, तो लोग उनसे बहुत परेशान हो गए। तो परेशान तो सब थे, लेकिन उसका जो प्रतिशोध हुआ, इसको कुमाऊं के इतिहास में ऐसे भी देखते हैं हम लोग जब पढ़ाने की स्थिति में आते हैं, तो कहते हैं कि जैसे घनानंद के शासन को समाप्त करने के लिए जो है प्रतिशोध में जो है चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया था, वही बात इतिहास में यहाँ पर भी लागू होती है कि उस समय यहाँ पर हरिमल्ल का शासन था, एक गंगोल घाटी के रहने वाले जो है पुरुष पंत, जिनका कहीं कहीं पर नाम पुरुषोत्तम पंत भी लिखा हुआ मिलता है, वो अपने ननिहाल घिमाली यहाँ पर पड़ता है रास्ते में थलवाली रोड पे, वहाँ रहा करते थे। तो यहाँ के जो उसमें मल्ल के जो सेनापति थे या फिर जो उनके मंत्री लोग थे अनावश्यक जनता को परेशान करते थे। एक दिन बताते हैं कि अपने नाना के घर में वो गाय बच्ची का जो है चरवाहा के रूप में कार्य कर रहे थे, उनकी गाय ने उनके जो मैंने आपको नीचे एक वीडियो बनाया था छनपट्टा का नौला, जो कि इस क्षेत्र के लिए पानी लाया जाता था, यहाँ के सैनिक जो है यहाँ के लिए पानी लाते थे, तो उनके गाय उन बच्चों के द्वारा जो है पानी पी लिया गया, तो उसके एवज में उनको दंड दिया गया। उस दंड के प्रतिशोध के लिए जो है पुरुष पंत ने सेना का गठन किया, और उस समय इस एरिया में आपने देखा होगा इतिहास में कि चंपावत से चंद्र राजाओं का प्रादुर्भाव शुरू हो गया था, और धीरे धीरे कुमाऊं और गढ़वाल की ओर बढ़ना शुरू कर रहे थे।
तो जो रुद्रचंद थे उसमें इधर कुमाऊं की ओर अपना विस्तार कर रहे थे, तो पुरुपंत उनसे मिले और उनके सेनापति के रूप में उन्होंने कार्य किया और हरिमल को हराने के लिए उन्होंने योजना बनाई। और उस योजना के लिए मैंने नीचे इतिहास आपको बताया था कि सबसे पहले आपने देखा होगा ना आज के युद्ध में भी क्या किया जाता है कि जब किसी देश को जीतना पड़ता है तो उसका रसद पानी इत्यादि को समाप्त किया जाता है। उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या था, जल था और खाना था। तो ये जो किले में सैनिक रहते थे उनके लिए जो जल की आपूर्ति होती थी छनपट्टा के नौरे से होती थी। तो पुरुपंत ने अपनी सेना के ऐसी कूटनीति गठन किया कि यहाँ पानी पहुँचना बंद हो गया और उसी समय उसने रूपचंद को कहा कि अभी आक्रमण का सही समय है और यहाँ पर हरिमल्ल को जो है पराजित कर यहाँ पर चंद वंश की स्थापना शुरू हो गई। और यह आती है लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी की, लगभग 1523 से लेकर 1590 के आसपास का समय आता है जिस समय की यह स्थिति आई। अब ये हरिमल का समाप्त होने के बाद रूपचंद का यहाँ पर शासन बन गया। रूपचंद में चंद राजा भी बहुत सारे हुए, चंद राजाओं के नाम आते हैं जैसे बाजबहादुर चंद कहते हैं कि सबसे प्रतिष्ठित हुए जिन्होंने जो है बहुत ख्याति प्राप्ति की, जिस पर रेखा भूपति चंद ने जिस प्रकार से प्राप्ति की थी। लेकिन उतार में क्या हुआ कि राजाओं में आपने देखा होगा कि मुगल काल में जब पढ़ाते हैं उनके सगे संबंधियों के द्वारा ही वो मार दिए गए, ऐसा ही जो है चंद शासकों के अंतर्गत भी हुआ। चंद शासकों के जो है अंतिम जो शासक रहे यहाँ पर दीपचंद थे, उनके चचेरे भाइयों के द्वारा और उनके सेनापति मोहन सिंह का, जो दीपचंद थे उनके जो सेनापति थे मोहन सिंह थे लेव चंद जो है और उनके चचेरे भाई थे, उन्होंने उनको क्या किया बंदी बना लिया दीपचंद को और उनके इकलौते बेटे को। और ये जो किला था किसके टाइम से बना हुआ, उसका जीर्णोद्धार भी चंद राजाओं ने किया, मल्ल शासकों के समय इसका बना हुआ था, उनको दोनों को बांधकर यहां डाल दिया। वो दोनों बाप और बेटे, पुत्र और पिता जो है भूख से क्या हो गए, इसी किले में मृत्यु को प्राप्त हो गए। और मोहन सिंह ने अपना नाम मोहन चंद करके चंद वंश को आगे बढ़ाने की शुरू कर दी। और ये कहानी कहाँ पर हुई, दीपचंद को मारने के बाद, अर्थात उसको भूखा प्यासा इस किले में रख दिया गया और उसको बाद जो है उसने क्या किया मोहन सिंह से मोहन चंद नाम से अपने शासन को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसी समय जो एक ये तो थे सेनापति, उनके दीपचंद के जो विश्वास पात्र मंत्री थे वो थे हरदेव जोशी, कहीं पर हर्षवर्धन जोशी लिखा रहता है, हरदेव है उनका नाम, वास्तविक नाम जो है हरदेव जोशी है। कुमार बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन का हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। तो वो हरदेव जोशी जो थे उनके बड़े विश्वास पात्र थे, किनके, दीपचंद के, सेनापति विरोध में था। तो अब उस दिन से क्या हुआ, मोहन चंद को जैसे ही उसने सत्ता संभाली वो किसके पीछे पड़ गया, हरदेव जोशी के पीछे पड़ गया, सेनापति के, वो मंत्री के पीछे। अब उन दोनों के बीच में द्वंद्व स्टार्ट हो गया हरदेव जोशी और मोहन चंद के, तो बहुत परेशान हो गया। तो एक बार जो है बताते हैं कि गढ़वाल के जो शाह राजा थे उस समय, गढ़वाल में जो शाह वंश था उनके पास मदद मांगने के लिए भी गए, और हरदेव जोशी कि मतलब जो है इसके साथ आप आक्रमण करिए और हमें जो है बचाइए इसे करके, लेकिन उतनी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश किया कि रणबहादुर थे जो है ये नेपाल में जो है उनका शासन था, उसके पास गए मांगने के लिए। रणबहादुर ने अपने सेनापति अमर सिंह थापा को हर्षदेव जोशी के साथ लड़ने के लिए यहाँ भेजा। रणबहादुर वहाँ पर राजा था नेपाल का, उनका जो सेनापति था वो अमर सिंह थापा था, उसको हरदेव जोशी की सहायता करने के लिए कहा गया, यहाँ भेजा गया। जैसे ही उन्हें, अब उससे पहले भी एक कहानी आती कि मोहन चंद की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा महेंद्र चंद था, इसलिए कहा जाता है कि चंद वंश का जो अंतिम जो राजा था वो महेंद्र चंद था। महेंद्र चंद के समय में ये घटना घटी, वो रणबहादुर ने अमर सिंह थापा को यहाँ भेजा और जैसे ही यहाँ सेना को भेजी और उन्होंने इसको विजित किया, चंद वंश का अंत हुआ, नेपाली वंश का शुरुआत हुई, जिसको गोरखा राज या गोरखोल राज बोला जाता है। और चंद वंश में भी ये माना जाता है कि सबसे प्रतापी जो राजा थे एक जो है जिन्होंने दोनों मंडलों में, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में, वो थे प्रद्युम्न। उन्होंने गढ़वाल में और कुमाऊं में दोनों जगह अपना शासन किया था, चंद राजाओं में एक ऐसे हुए जिन्होंने दो जगह पे शासन किया था, कुमाऊं में भी उनका शासन था और गढ़वाल में भी उनका शासन था। लेकिन महेंद्र चंद इनका अंतिम शासक रहा, जिसको गोरखाओं ने पराजित कर, और गोरखाओं का इतिहास स्टार्ट होता है 1590 से लेकर 1790 तक, नहीं 1790-91 में कुमाऊं को जीता उन्होंने, मेरे ख्याल से 1803 में गढ़वाल को जीता, 1803-5 में जो है इतिहास रहा, हाँ गढ़वाल का रहा। 1790-91 में कहाँ जीता उन्होंने, कुमाऊं को जीता। 1790-91 में महेंद्र चंद की जो अंतिम शासन था उसको समाप्त करके कुमाऊं में जो है जो गोरखा साम्राज्य था, और गोरखाओं को इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने इतना दुराचार, इतना व्यभिचार और इतना गलत काम किया, लोगों को प्रताड़ित किया, और इनकी जो सीमा थी यहाँ से लेकर हिमाचल में सतलज नदी तक थी गोरखाओं का जो था। और इनका शासन चला 1791-90 से लेकर 1814-15 में अंग्रेजों के द्वारा गोरखाओं को हराया गया। और गोरखाओं को हराने के पश्चात 1915-16 की संगोली संधि पड़ी जाती है, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, जो संधियां आती हैं अंग्रेजों के साथ और उनके साथ, जो संगोली की या संगोली की संधि बोला जाता है 1815-16 की, उसमें जो है गोरखा राजाओं के मध्य पर और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ कि आप कितना राज्य दोगे। उसको बताने के पीछे लॉजिक ये है कि उसी से आज तक भारत और नेपाल का विवाद बना हुआ, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो भारत और नेपाल की जो सीमा थी उसको किसके द्वारा, किसको मांगा गया, संगोली संधि को माना जाता है। आज भी तो भारत और नेपाल के मध्य में कोई ऐसी भौगोलिक सीमा नहीं है जिसको अलग करती हो, कोई नदी या पठार या कोई चीज नहीं है, जो संगोली संधि में अंग्रेजों ने बनाया था उसी को माना गया। अब भारत जो मानता है अपना मानता है, नेपाल कहता है कि हम इसको नहीं मानते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, संगोली संधि में यह कहा गया कि भारत का जो अलगाव होगा नेपाल से वो काली नदी के उद्गम स्थल से होगा, जो काली नदी है उसके उद्गम स्थल से होगा। अब काली नदी का उद्गम स्तर जो होता है, जैसे अभी एक गुरुजी पूछ रहे थे कि गोरी नदी का उद्गम कहाँ पे है, उसी प्रकार से काली नदी भी एक मुख्य नदी ना होकर तीन ट्रिब्यूटरी से बनती है। अगर आप देखेंगे तो एक लिपु लेक से धारा निकलती है और एक आगे उसकी जाकर निकलती है, उसका नाम बोलते हैं, मेरे को थोड़ा सा लगी आता है,
नहीं, काला पानी भी है एक जगह जो है, एक पुल है काला पानी है, एक तीसरा है जिसको नेपाल अपनी बोलता है कि यहाँ से हमारी सीमा स्टार्ट होती है। अब है क्या जैसे किसी के पास पेन है सर? ये सर, ये लो कॉपी भी है। थैंक यू सर। ये है भारत नेपाल की स्थिति, उसका नाम जो था सिरा रानी, उसी के नाम पे इस एरिया को क्या रखा गया, सिरा, सिरा कोट हो गया, कोट मतलब गढ़ जो क्षेत्र हो, तो उसके नाम पर जो है सिरा कोट। अब इसकी जो दूरी थी कैसे उन्होंने निर्धारित किया कि कहाँ से कहाँ था, इसको जैसे कल मैप में अभी ऐसे बना रहे हैं, इसको ऐसे मान लीजिएगा, मैं अगर यहाँ पर जैसे कल हमने सीखा था तो ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है, और ये पूरब का है, और ये पश्चिम का क्षेत्र है। तो रेखा मल्ल ने उसमें सिराकोट की जो रीजन बनाया था, मैप बनाया था, उत्तर में बनाया था गोरी नदी, अगर सामने देख रहे हैं तो उत्तर ये गोरी नदी का क्षेत्र है, उद्गम जो हिमालय के नीचे दिखा आपको, पंचाचुली के जो ये पूर्ववर्ती पश्चिमवर्ती भाग है, ये हमारी ओर से पश्चिमवर्ती भाग, उसका पूर्ववर्ती भाग, यहाँ से जो देख रहे हैं इस गोरी नदी के उद्गम स्थान और गोरी नदी का जो जलप्रवाह क्षेत्र है, इसको सिराकोट का उत्तर का क्षेत्र माना गया। और इधर पूर्व का जो क्षेत्र माना गया वो माना गया अस्कोट, ये सामने जो दिख रहा है वो सामने, ये अस्कोट का क्षेत्र, और दूसरा साथ में कनाली सीना का जो क्षेत्र लगा होता है, अस्कोट और कनाली सीना को मिश्रित करके पूर्वी क्षेत्र को माना गया, और पश्चिमी क्षेत्र को माना गया इधर रामगंगा नदी बहती है, आप थक से आए होंगे ना, ये जो है ये जो रामगंगा नदी आती है इसको जो है पश्चिमी क्षेत्र को ऐसे माना जाता है। और जो दक्षिणी क्षेत्र उन्होंने माना अपना, ये सामने पर्वत रसापटा का शिखर दिख रहा है, ये रसापटा का पर्वत दिखाई दे रहा है जो सामने, ये जो है सिराकोट भूमि का जो है एक क्या था क्षेत्र था जिसमें उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, और इस तरह से जो है इसका एक भूगोल। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई चीज जाननी है तो आप पूछ सकते हैं, लगभग मेरे ख्याल से लगभग संक्षिप्त जो इतना है विशाल, तो फिर आप बजूता पाल पालों का वो पाल चंद्र आशा, फिर वो कतिरी का उससे संदर्भित था ना जो है, वो क्या कहते हैं कहाँ से इनका उद्गम हुआ, कैसे हुआ, एक लोग का था। ये बताते हैं कि ये सामने भागलिंग का पर्वत है, यहाँ पे सामने ये दिख रहा है, ये ये सामने वाला दिख रहा है, मनेलाथ और जो है पंचदेव के पिता हुए ना, भागलिंग जो है पिताजी ठहरे, माता जो है इनकी सुरजावती ठहरी, सुरजावती मनेलाथ और वो जो पंचमुखी भाई ठहरे, भाई ठहरे, दोनों भाई ठहरे। तो उनके बारे में कहानी ये कही जाती है, छपला की रानी से हुई ना, छपला की रानी से जो है लड़ाई हुई, ऐसा होगा कि सपने में आई, उसने बोला सही मर्द होगा तो मेरे से शादी करेगा, ऐसा ही ना मर्द होगा तो अपनी सिराकोट में रहेगा। तब इन्होंने जो है बोला, इस तरफ एक खिड़की था पुराना मंदिर जो था, तो वहां से मां सुजावती ने देखा, तो उजाला हुआ देखा, 22 कितने साल बीत गए, तो उजाला खिड़की कभी तो खिड़की नहीं खुलने वाली ठहरी, उस दिन वह खिड़की खुली। अच्छा, तो खिड़की खुलने के बाद और सुजा माता का यह ठहरा, उसने बोला मेरा लड़का भूखा ही रह गया, बोला मन क्या पाड़ो ने आप भोग भी नहीं लगाया उसका, ना उसको कुछ मिला, तो वो उसका जो है रात नींद टूट गई, उठी देखा, फिर वहाँ से अपने बहन लड़की को भेजा, तो वहाँ से दो आदमी भेजे, तो यहाँ मैंने नाथ जी सोए ठहरे, बोला कि दादी तुमने खाया नहीं, बोला मैंने तो खाया है, ऐसे गर्म हो गया, बोला इतने बरस पी दिए खिड़की नहीं खुला, तो आ कैसे खोला तुमने, बोला ऐसे ही खोल दिया, फिर वो जैसे चल दे तो और जो है यहाँ घूमने लगने लग गए। तो उसके बाद जो है उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता है, तब माता सुजावती जो है वहाँ से जो है रात जो है वहाँ से चल के आई, फिर पूछा उससे ये बथीमा एक जोड़ी बैल जो है और बैल जोत रहा था, ने बोला मेरा सत होगा था, ये बैल भी और जो है आदमी भी पत्थर बन जाए, पत्थर बने हैं, तो ये घोड़ा पर शांति होते हुए धेराई पूछा उससे, बोला इनसे पूछा है, बोला कुछ नहीं बताया इन्होंने। फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने अपने आदमी को बताया, हरिद्वार से भगवा चादर मंगाए, कपड़े दर्जी को बुला के सिले हैं, और हरिद्वारी चिमटा राम कलेश की माला पहनी, बनाया उन्होंने, बस बोला सावन का मनाया बेटा, अब चलता हूँ मैं कैलाश यात्रा के लिए, सीधे चलती है कैलाश छिपला गया था, छिपला कोट गए, तो रानी को तो पता है पक्का आएगा करके, तो उन्होंने जो है जो छिपला का राजा था जो है शिकार के लिए जा रहे थे, तो जाते जाते उनमें मिल गया था एक छोटा सा बच्चा था, उसने बोला देखना हमारे छिपला में दहश नहश होने वाला, बोला 100 आदमी ठहरे, सबने के झापड़ मारी उसको, मतलब शॉर्ट बता रहा हूँ कि झापड़ मारी, बोला साल हम शिकार के लिए जा रहे, तो ऐसे अशुभ बानी बोल रहा है, करते करते जैसे चले गए, तो रानी जो पानी भरने के लिए आए थे उन्होंने भोरे का रूप धारण किया, और उसके साथ चली भागे, उसका जो गगरी थी उठा नहीं पाई वो, उन्होंने पकड़ा अपनी जो झोला बनाई थी झोले में डाला, वहाँ नाल को दहश नहश करके वापस आए, वही 18 बाप तो 22 नाती शिकार के लिए वापस आए, तो मिल गए, बोले बाबा कैलाश से आ गए, बोला हमारे के लिए गज भर का आसन भर की खली है, बोला कैलाश क्या है, बोला आए, तो उन्होंने जो है देख दिया उनको, तो अपनी डर ठहरी, कांप रहे थे डर के मारे, बोला बाबा तुम शिकार को, बोला यार मैं तो नहीं खाता हूँ, कोई मेरा भगत मिलेगा तो उसको दे दूंगा, उनके उसके ऊपर जो है रानी के ऊपर जो है वो थैला रख दिया उन्होंने, वो दिखे ना करके, जब आते आते जो है फिर उनके साथ लड़ाई हुई, तो उन्होंने जो है नीचे से लात मारी तो पहाड़ को उल्टा कर दिया, तब जो है गोरी नदी से गोरला पैदा हुआ, गोरला पैदा गोरला ने छाता दी, फिर उसी दिन काक भसंडा जो है कौवा काक भसंडा ने जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी, बोला यार फलाना जगह मेरा भाई रहता है, ये चिट्ठी वहाँ बैठ देना फेंक देना, काक भसंडा ने जो है सती के पास काक भसंडा ने उनकी चिट्ठी जो है सीधे नन पापा पहुँचा दी, तो व्यासी सब ने बोला यार क्या होगा, तब कौली कन्याल में तब गोरी नदी में पहुँचे, तो उसे बोले मेरे मामा जो है घड़ानाग है, मेरे मामा घड़ानाग को जो है सूचना दे देना, कौवा ने जो है मामा घड़ानाग को भी सूचना दी थी, उसके बाद उन्हें गोरी नदी से गुरला पैदा हुआ, गुरने ने सोचा कि कौली कन्याल में लड़बाबू था, मेरी जब मेरी पूरी बाईखान खोलेगा करती, उसकी जीप लूट दी, वही लड़बाबू लीमा में भी है कौली कन्याल में भी है, उसकी जमान लूट दी, लाते लाते जो है
उन्होंने जो है 84 इंद्र से जो है मलयनाथ जी इंद्र से जो है बालों की देवराज के लड़के को जीत के लाए ठहरे। तो इन्हें बोला मैं चौबार में रखा है तो मुश्किल देख रहे के लिए मेरे को जाना ही पड़ता है इधर। तो उसके नीचे झलीमा ठहरी, झलीमा बोलते हैं वहाँ जो है रानी को, वहाँ से ला के वहाँ रख दिया रानी को। तो वहाँ रखने के बाद उसी दिन से जिस भी यहाँ उछा पाड़ देती है जिसे चतुर्देशी का पर्व शिवरात्रि, इस दिन बारिश होने के कारण उसी कारण से जो है वो जो है खुखा ठहरे। मतलब हम छपला किरदार वहाँ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। मतलब वो पिछले बार शिवरात्रि से एक दिन पहले छपला किरदार के बच्चे आए थे यहाँ जो है, तीन तारों को जो है कांपने लग गए थे, पूरे वो हो गए थे। यह कहानी ठहरी। तो उसी दिन से कौवा को बोला कि मेरा काम करेगा तो कोई छोटी सी पूजा करेगा तेरे को भाग मिलेगा करे। उसी दिन से ये मलयनाथ जी ने कौवा का जो है भाग उसी दिन से दिलाया ठहरा। हाँ यह कहानी ठहरी है इनकी। यह कहानी ऐसी कहानी है। तब यहाँ जो है जो मलयनाथ दो भाई थे, एक पंचमुखी और एक मलयनाथ, ये बताते हैं कि जो ये भागीमल दहेज जो इनके दो पुत्र हुए, पहले पुत्र पंचमुखी, तो इनकी संतान उत्पत्ति नहीं हुई थी। जो ये कहानी बताते हैं कि लोग गाथा के रूप में इनका संतान पैदा हुआ ना पंचमुखी वाला। हाँ। तो यहाँ ब्राह्मण ने बोलता है ये लड़का तेरे के लिए जो है गलत है, उसको खट्टे डालने के लिए वो वो किया। तो मलयनाथ जी जो है तब सुरजावती के नेत्र से जो है, नेत्र से जो है ये पैदा हुई थी, नेत्र से पैदा हुई थी, नेत्र से जो आंसू से नेत्र से पैदा हुई थी। ऐसा हुआ सर, वो जैसे बता रहे ना वैसा वो हुआ उनका, जब जन्म हुआ वो नेपाल के ठहरे, सब नेपाल के ठहरे, जो भी देवी उसको पता चला कि मेरे पिताजी का वंश नाश लेकर वो नेपाल छोड़कर इधर आ गए। बोलते हैं कि यहाँ पर एक महिला रहती थी जो है, वो महिला के वहाँ पर गई, महिला अकेली थी तो उसने कहा रहने के लिए जगह मिलेगी, उसने कहा आ जा एक दिन और बचाओ, उसने कहा कारण किया, उसने बताते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा दैत्य था और वो दैत्य ने समाप्त करने के कारण एक ही महिला बची थी, उस दिन उसकी बारी थी। लेकिन जब आए वहाँ पर पंचमुखी आए तो दैत्य को मार दिया। तो उसके बाद जो है वहाँ पर उनका जो है मंदिर भी बनाया गया। फिर बताते हैं कि भारी मन का दूसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मलयनाथ था, इतने काफी सिद्धि की, ये गढ़वाल भी गए और जो है बहुत दोस्तों ये रहा सिराकोट मलयनाथ का इतिहास जो कि आपने हमारे पाठक जी और स्थानीय व्यक्ति से सुना। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।